हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हल्का फैस। आज मैं आपको फ्रिज साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। इस ट्रिक से आप अपने फ्रिज को साफ़ करेंगे तो आपका फ्रिज बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रिज साफ़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बटन को दबा देंगे, जिससे कि सारा बर्फ़ का पानी जो है निकल जाए, बर्फ़ जमा ना रहे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्विच ऑफ करके इस प्लग को निकाल देंगे। ठीक है, प्लग निकालने के बाद आपको क्या करना है, फ्रिज को सारा सामान जो है फ्रिज से बाहर निकाल देना है। तो मैंने सारा सामान निकाल दिया है। सारा सामान निकालने के बाद अब हम लेंगे आधा मग पानी। तो आधा मग पानी मैंने ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो एक चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और दो चम्मच विनेगर। दो चम्मच विनेगर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब एक साफ कॉटन का कपड़ा लेंगे और फ्रिज को अच्छे से साफ करेंगे। एक कॉटन कपड़ा लेंगे और पानी में इसे डिप करेंगे। डिप करने के बाद सबसे पहले फ्रिज का बाहर का जो पार्ट होता है उसे क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले इसे अच्छे से साफ कर लीजिए फ्रेंड्स। और इस तरह से मैंने फ्रिज के चारों ओर अच्छे से साफ कर लिए हैं। बाहरी पार्ट पूरे अच्छे से साफ हो गए हैं, अब अंदर के पार्ट को साफ करें फ्रेंड्स। और ये देखिए, फिर आप फ्रिज बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, बिल्कुल नए जैसा है। आप बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि ये मेरा 5 साल का फ्रिज है। ये देखिए कितना अच्छा क्लीन हो गया है। विनेगर और सोडा जो होता है बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, सारे दाग धब्बे आपके फ्रिज के क्लीन हो जाएंगे। इस तरह से देखिए कितना वाइटनेस आ गई है, बिल्कुल नए जैसे फ्रिज हो गए हैं। तो इस तरह से आप फ्रिज को साफ़ कर ले। और ये देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट से ये कवर मंगाई है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। इसमें साइड में पॉकेट भी दिया होता है, 3 इधर और 3 उस साइड, जिसमें कि आप फ्रिज के की या फिर और भी कुछ सामान होते हैं जो आप इसमें रख सकते हो। और उसके साथ साथ ये 3 सीट मिला है मुझे, जिससे आप फ्रिज के अंदर जो 3 रैक होते हैं उसमें आप बहुत ही आसानी से इसे बिछा लोगे। तो इससे क्या होगा, आपके फ्रिज बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और जो भी आप सामान रखोगे इस पर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्रिज के कवर के साथ साथ ये 3 सीट भी जरूर बिछाए, इससे फ्रिज गंदे नहीं होंगे और आप इसमें काफ़ी सारे सामान स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल आप इजी तरीके से परचेज कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो इस तरह से फ्रिज को मैंने बंद कर दिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का पार्ट। देखिए कितना अच्छा साइन आ रहा है, बिल्कुल नए जैसे फ्रिज का जो कलर है फिर से वापस आ गया है। इतनी धूल मिट्टी जम गई थी, क्लीन करना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप ज़रूर साफ़ करें, बिल्कुल नए जैसे फ्रिज जो है चमकने लगे हैं। और कवर के साथ साथ मैंने जो 3 सीट बताई है वो आप ले सकते हो फ्लिपकार्ट से, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और ये फ्रिज का हैंडल है, तो इसमें भी ये छोटा सा मिलता है जिससे आप बहुत ही आसानी से इसे चिपका सकते हो और इससे आपका हैंडल बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो इस तरह से आप फ्रिज का कवर भी मंगा सकते हो और बहुत ही अच्छे से आप अपने फ्रिज को नए जैसे बना सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को हेल्प मिले फ्रिज को क्लीन करने में। बहुत ही सिंपल आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें।